फ्रेंड्स, तो आज मैं घूमने गया जा रहा हूँ, मतलब घूमने गया देखने जा रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है हमारे जमालपुर के मॉल्स की, यानी कि वी मार्ट और सिटी मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जुबली वेल से मैं टोटो किया, 20 रुपये लिया टोटो वाले ने। और साइड हैंड साइड पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बाइक वाइक ठीक करने वाले की दुकानें हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे थाना है जमालपुर का, और ये राइट हैंड साइड पे यहाँ बिजली बिल जमा होता है, तो जमालपुर के वासी उनको ज़रूर पता होगा। बारिश बारिश हो रखा है। राइट हैंड साइड पे चर्च है एक मुंगेर रोड में हमारे, और सीधे सीधे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सिस बैंक भी आता है, ये देखिए। तो अभी सारे प्राइवेट बैंक लगभग लगभग एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, सारे बैंक ऑफ बड़ौदा भी इधर है। और मैं आ गया हूँ सिटी कार्ड यहाँ पे। वैसे लाइट तो अभी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये टेम्परेचर वगैरह चेक करके एंट्री दे रहे हैं गेट कीपर, तो बहुत सावधानी बरत रहे हैं और हैंड भी सैनिटाइज करके एंट्री दे रहे हैं। वैसे लाइट नहीं है अभी। और ये है एक छोटा सा मंदिर, शायद हनुमान जी का मंदिर होगा। आगे बढ़ते चले गए हैं हम लोग, और काफ़ी पहले तो जमालपुर मुंगेर के बीच में बहुत कम घर हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत डेंस हो गया है क्योंकि मॉल वगैरह खुल गए हैं। तो सारे मतलब जितने लोगों को जहाँ जहाँ ज़मीन मिल रहा है जमालपुर और मुंगेर के बीच में, वो खरीदे खरीदे जा रहे हैं। और बहुत सारी दुकानें भी खुल गई है, जैसे कि हार्डवेयर की दुकानें, प्लाईवुड की दुकानें, मार्बल की दुकानें, आप लोग देख सकते हैं। जो बहुत साल पहले जमालपुर छोड़ गए होंगे उनको अजीब लग रहा होगा ये वीडियो देख के कि, और ये सारे तो पुराने घर हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ पे, और ये हमारा BMP-9 कह लें, यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है पुलिस वगैरह की। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है इनका, ये देखिए यहाँ पे एंट्री गेट है, पुलिस बिहार सैन्य पुलिस जमालपुर, बिल्डिंग वगैरह सब दिख रहा है आप लोगों को शायद। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये शायद आगे आपको दौलतपुर के साइड सब्जी वब्जी लग जाता है यहाँ पे। और अच्छी खासी दुकानें भी हैं, मिठाई की दुकानें भी हैं। ये एक मंदिर भी है लेफ्ट हैंड साइड पे हनुमान जी का, जहाँ दौलतपुर है। आगे आगे बढ़ते हैं तो घर घर है, लेकिन बीच बीच में जैसे कि ये निधि प्लाईवुड, यहाँ पे आप जैसे कि डोर्स वगैरह और विंडोज़ वगैरह पहले से बना रखा है, अब तो बंद है, लेकिन कभी जाएंगे अंदर घूमने के लिए निधि प्लाईवुड में हम लोग। और ये देखिए मार्बल्स वगैरह की दुकानें खुल गई हैं जमालपुर मुंगेर सफियाबाद के ही बीच में, मतलब वी मार्ट के से पीछे पीछे ही है अभी। तो कुछ देर में हम वी मार्ट पहुंच जाएंगे। और बारिश बारिश का मौसम हो रखा है, गीला गीला सा, थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लग रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा और थोड़ा चहल पहल नज़र आ रहा है ये एक मंदिर। और अब हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, बहुत सारी हनुमान जी की, शिव जी की। और ये शायद एक स्कूल है या शायद शादी भवन है यहाँ पे गायत्री मंदिर के सामने। उधर से लौटेंगे तो मैं आपको गायत्री मंदिर भी दिखाऊंगा। और ये आ गया हमारा वी मार्ट मॉल। बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि पहले कि अभी बाज़ार खुला ही खुला है, और पहले काफ़ी भीड़ हुआ करते थे। और वी मार्ट के बगल में भी बहुत सारी दुकानें वगैरह खुल गई हैं, छोटे मोटे जनरल स्टोर टाइप, एक फूड प्लाजा टाइप भी है सब, उसके सामने एक एग रोल वगैरह सेंटर भी है। और ये हमारा टोटो वाला है, ये गायत्री मंदिर शादी विवाह होता है यहाँ पे, और बहुत पुराना ये मंदिर है गायत्री शक्तिपीठ जमालपुर। पशुपालन गली भी शायद इसी तरफ कहीं पे है, और ये घर घर सा है। और पशुपालन गली वगैरह तो आजकल हॉटस्पॉट हो गया है बिल्कुल जमालपुर में, क्योंकि हॉटस्पॉट मतलब वो वाला हॉटस्पॉट नहीं, मतलब प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लोग वहाँ पे भी लैंड परचेस करके अपना घर बना रहे हैं, कि मकाने बड़ी अच्छी अच्छी बन गई है अभी जमालपुर के इस
मुंगेर रोड में। पुराने पुराने मकान तो थी ही, थोड़ा सा नीचे जो है ज़मीन के नीचे वाले लेवल में वो सारी पुराने दुकान है, और ये जितने भी ज़मीन के ऊपर अभी आप नए नए देख रहे हो वो सारे नए हैं। तो क्योंकि रोड बनते चला गया तो मुंगेर रोड थोड़ा ऊंचा हो गया है। ये इमली का पेड़ आ गया है, आगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारा टोटो वाला बहुत स्लो कहा मैंने कि उनको धीरे धीरे चलाओ भाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ का दुकान है, ये मार्बल हाउस यानी कि संगमरमर। सीन बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा कि और ये फिर से वापस मैं आ रहा था तो नदी प्लाईवुड जाऊंगा ज़रूर मैं इनके पास। लाइक करते हैं मेरे वीडियो को बहुत ही। आगे मंदिर दौलतपुर वाला, ठीक सामने दौलतपुर के, और यहाँ पे प्रणाम कर लीजिए हनुमान जी को। पहले यहाँ पे आया करते थे हम, यहाँ पे एक साइबर कैफे हुआ करता था, साइबेरिया। वो अब शायद किराना स्टोर में तब्दील हो गया है, ये रहा साइबेरिया। पहले ये साइबर कैफे हुआ करता था, अब रिचार्ज वगैरह भी करते हैं और कुरकुरे चिप्स सब चीज़ मिलता है यहाँ, जनरल स्टोर टाइप कह ले। आगे आने पे हम लोगों को दिखा ये रहा सिटी कार्ट आ गया, और अभी लाइट आ गई है यहाँ पे, बारिश हो रहा है और भीड़ बहुत कम। वैसे बाज़ार में भी भीड़ बहुत कम है क्योंकि अभी लॉकडाउन से खुला ही है मार्केट, तो लोगों के पास शायद उतना परचेजिंग के लिए नहीं है। रवि ट्यूबवेल्स बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे यहाँ पे फर्नीचर की भी दुकानें हैं। एक्सिस बैंक आ गया, बाबा फर्नीचर की भी दुकान इधर ही है, अच्छा फर्नीचर रखते हैं वो भी, जाएंगे कभी उनके पास भी। ये जमालपुर थाना हमारा बड़ा स्पेसियस, और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें पेट्रोल पंप मिलेगा और SBI जमालपुर। यहाँ पे पेट्रोल पंप वैसे बंद हो रखा है, सुधा भी है और इंडियन बैंक भी खुल गया है। वाह, मैंने देख, मुझे नहीं जानकारी थी पहले। और ये रहा हमारा पहले का भारत पेट्रोलियम, लेकिन जो बंद हो गया है अभी। अभी अगर पेट्रोल बढ़ाना हो जमालपुर में तो सफियाबाद देने की या आगे जाना पड़ता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे जमालपुर का छोटा सा टूर है, आगे के दिनों में ज़रूर मुंगेर जाएंगे कभी टोटो से, तो मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि मुंगेर के रास्ते में क्या क्या आता है जमालपुर से मुंगेर। तो ऐसा करता हूँ कि ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ मन में हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।